सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार, आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशन कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के छठी से दसवीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1,00,000 छात्रों को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जानेंगे वर्ग के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में संलग्न आकृतियों का परिमाप चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में सीखेंगे घन और घनमूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे,
तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था, घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहां तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहां एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहां पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे, और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा, और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हम सीखेंगे वक्र। क्या आपने पेंसिल से कागज पर कोई चित्र बनाने की कोशिश की है? यदि नहीं की होगी तो करके जरूर देखिए। कई बार जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो कोई आकार बनाने के लिए सीधी और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं। अक्सर ऐसी रेखाएं कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जाती है, जैसे यहाँ हमने एक पेड़ बनाया है। इसी तरह हम पर्वत, बादल, झरना, रास्ता इत्यादि बनाएंगे। कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई सीधी और टेढ़ी रेखाएं वक्र यानी कर्व कहलाती है। हालांकि वक्र शब्द का अर्थ सीधा नहीं यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, लेकिन जरूरी नहीं वक्र हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा ही हो। अगर कागज से बिना पेंसिल उठाए एक सीधी रेखा बनाई जाए तो यह भी एक वक्र ही कहलाती है। अब इन वक्रों को देखें, क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या अंतर है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ये वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं, जबकि ये वक्र स्वयं को काटते हैं। जब कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो उसे हम सरल वक्र यानी सिंपल कर्व कहते हैं। अगर वक्र स्वयं को काटती है तो वह एक सरल वक्र नहीं है। कुछ वक्र एक स्थान से शुरू होकर पुनः उसी स्थान पर समाप्त होते हैं, यानी कि इनका प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी कि इसके सिरे मिले हुए होते हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व कहलाती है, जैसे यहाँ ये सभी बंद वक्र है। यदि हम इस वक्र को देखें तो हम पाते हैं कि यह एक बिंदु से शुरू होता है
और दूसरे बिंदु पर समाप्त होता है, यानी कि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए नहीं होते एक खुली वक्र यानी ओपन कर्व कहलाती है। ऐसी वक्र का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु अलग होता है, जैसे यहाँ ये सभी खुली वक्र हैं। क्या आप दी आकृतियों में से खुली वक्र और बंद वक्र की पहचान कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। यह आकृति ए, सी और ई में दर्शाई गई वक्र बंद वक्र है, क्योंकि इनके सिरे मिले हुए हैं। जबकि अगर हम आकृति बी, डी और एफ को देखें, तो इनके सिरे मिले हुए नहीं हैं, इसलिए ये सभी खुली वक्र हैं। बंद वक्र की बात करें, तो इनके तीन भाग होते हैं, वक्र के अंदर का भाग, वक्र का भाग और वक्र के बाहर का भाग। वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभ्यंतर यानी इंटीरियर। वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर, और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा यानी बाउंड्री। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाया जाए तो साथ में वे वक्र का क्षेत्र यानी रीजन कहलाते हैं। अब आपको वक्र की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा वक्र, अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे वक्र के उदाहरण। नीचे दी गई आकृति में एक राज्य के अभ्यंतर यानी इंटीरियर, परिसीमा यानी बाउंड्री और बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर को दर्शाया गया है। अगर बिंदु ए, बी और सी शत्रुओं की स्थिति यानी पोजीशन दर्शाते होंगे, तो आकृति को देखकर याद कीजिए वे राज्य के कौन से भाग में स्थित है। आकृति एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व है। बंद वक्र के अंदर का भाग कहलाता है वक्र का अभ्यंतर, वक्र के बाहर का भाग कहलाता है वक्र का बहिर्भाग, और वक्र का भाग कहलाता है वक्र की परिसीमा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु ए वक्र की परिसीमा पर है, बिंदु बी वक्र के बहिर्भाग में है और बिंदु सी वक्र के अभ्यंतर में है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शत्रु ए की स्थिति राज्य के परिसीमा पर है, शत्रु बी की स्थिति राज्य के बहिर्भाग में है और शत्रु सी की स्थिति राज्य के अभ्यंतर में है। अगला उदाहरण, नीचे दिए हुए वक्रों को खुली वक्र यानी ओपन कर्व या बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए। दर्शाई गई आकृति एक बंद वक्र है, क्योंकि इसके सिरे मिले हुए हैं। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र कहलाती है। यह एक खुली वक्र है, क्योंकि इसके सिरे मिले हुए नहीं है। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए नहीं होते एक खुली वक्र कहलाती है। यह बंद वक्र है, क्योंकि इसके सिरे मिले हुए हैं। यह खुली वक्र है, क्योंकि इसके सिरे मिले हुए नहीं है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित स्थितियों के लिए वक्र बनाएं। ए, एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है। बी, एक सरल वक्र जो खुली वक्र भी है। सी, एक बंद वक्र जो सरल वक्र नहीं है। डी, एक खुली वक्र जो सरल वक्र नहीं है। अगर किसी वक्र के सिरे मिले होते हैं तो वह एक बंद वक्र होती है, अन्यथा वह एक खुली वक्र होती है। इसी तरह अगर कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो वह एक सरल वक्र होती है। इस समझ के आधार पर हम एक सरल वक्र जो बंद वक्र भी है इस प्रकार बना सकते हैं। इसी के कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। एक सरल वक्र जो खुली वक्र भी है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। इसी तरह एक बंद वक्र जो सरल वक्र नहीं है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। एक खुली वक्र जो सरल वक्र नहीं है इस प्रकार बनाई जा सकती है। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। आज हमने देखे वक्र के उदाहरण, अगले वीडियो में देखेंगे वक्र से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा एक, क्या नीचे दी गई आकृति एक वक्र यानी कर्व है? बहुत से विद्यार्थी यह गलत धारणा बना लेते हैं कि वक्र सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही होती हैं। वे यह मानते हैं कि सरल रेखा एक वक्र नहीं कहलाती।
इस मिथ्या धारणा के कारण वे दिए सवाल का जवाब देते हैं ऑप्शन एक, जो कि एक गलत जवाब है। वक्र की व्याख्या से पता चलता है कि कोई भी रेखा जो कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जाती है एक वक्र कहलाती है। एक सीधी रेखा भी कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई जा सकती है, इसलिए यह भी एक वक्र ही है। सही हल है ऑप्शन दो। इसी तरह याद रहे, कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि सरल रेखाओं से बनी आकृति एक वक्र नहीं होती, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। सरल रेखाओं से बनी आकृतियां भी वक्र ही होती है। मिथ्या धारणा दो, क्या नीचे दी गई वक्र एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व है? दिए वक्र में बच्चे यह देखते हैं कि यह वक्र एक क्षेत्र को घेर रही है, इसलिए वे सोचते हैं कि दी वक्र एक बंद वक्र है। वे बंद वक्र की व्याख्या को नजरअंदाज कर देते हैं और जवाब देते हैं ऑप्शन एक, लेकिन यह एक गलत जवाब है। बंद वक्र की व्याख्या हमें बताती है कि जिसके सिरे मिले हुए होते हैं एक बंद वक्र कहलाती है। क्या यहाँ इस वक्र के सिरे मिले हुए हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा, यह वक्र के सिरे मिले हुए नहीं है, इसलिए यह एक बंद वक्र नहीं है। जिस वक्र के सिरे खुले होते हैं वह एक खुली वक्र यानी ओपन कर्व कहलाती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दो। मिथ्या धारणा तीन, नीचे दी गई आकृति देखकर पता कीजिए कि क्या यह वक्र एक सरल वक्र यानी सिंपल कर्व है या नहीं। बहुत से विद्यार्थी यह गलत धारणा बना लेते हैं कि बंद वक्र स्वयं को काटती है, इसलिए वह एक सरल वक्र नहीं हो सकती, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन दो गलत जवाब है। जब कोई वक्र स्वयं को नहीं काटती तो उसे हम सरल वक्र कहते हैं। अगर हम इस वक्र को देखें तो यह किसी भी स्थान पर स्वयं को नहीं काटती, इसलिए यह एक सरल वक्र है, इसलिए ऑप्शन एक सही जवाब है। तो आज हमने देखी वक्र से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। सीखेंगे संलग्न आकृतियों का परिमाप। परिमाप यानी पेरिमीटर, यह शब्द पेरी और मेट्रॉन से बना है। पेरी का अर्थ चारों तरफ और मेट्रॉन का अर्थ मापन है। इस तरह से किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, इसकी परिसीमा की कुल लंबाई AB, BC, CD, DA के योग से प्राप्त की जा सकती है। यह योग इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। चलिए आज वर्ग और आयतों से बनी संलग्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखें। एक कागज लीजिए, इस पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग PQRS खींच लीजिए। क्या आप बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सही। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसके चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा की लंबाई है। यदि आपको किसी वर्ग के भुजा की लंबाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से वर्ग PQRS का परिमाप होगा 4 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप कागज पर 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत JKLM बनाइए। क्या बता सकते हैं इस आयत का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। यहाँ भी आयत का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होगा, लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। जैसे यहाँ JK बराबर LM और KL बराबर MJ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा JK धन KL। यदि हम भुजा JK को आयत की लंबाई और भुजा KL को आयत की चौड़ाई कहें, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लिखा जा सकता है। यदि आपको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ आयत JKLM का परिमाप होगा 2 गुणा कोष्ठक में 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए, अगर हम वर्ग PQRS और आयत JKLM को कागज से काट कर इस प्रकार संलग्न यानी एडजेसेंट रखते हैं, तो बनने वाली नई आकृति PQRKLM का परिमाप क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ बिंदु S और बिंदु J एक दूसरे पर आ रहे हैं, इसलिए हम इनमें से सिर्फ एक नाम रखेंगे। जैसे यहाँ हम इस बिंदु को बिंदु S कहेंगे। यहाँ हमें दोनों आकृतियों को साथ रखकर एक नई आकृति PQRKLM प्राप्त हुई है। इसका परिमाप इसकी परिसीमा की लंबाई होगी, जिसे ज्ञात करने के लिए हमें इसके सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। यहाँ PQ बराबर QR बराबर वर्ग PQRS की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि हम भुजा RK की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। RK बराबर RS ऋण SK बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। KL बराबर 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह LM बराबर 2 सेंटीमीटर है, इसी तरह MP बराबर MS धन SP बराबर 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आकृति PQRKLM का परिमाप होगा PQ धन QR धन RK धन KL धन LM धन MP बराबर 26 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, क्या यहाँ वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप को जोड़कर संपूर्ण आकृति का परिमाप प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। यदि हम इनके परिमाप का योग करेंगे तो परिणाम आता है 20 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में परिमाप भिन्न है, इसलिए संलग्न आकृति का परिमाप इसे बनाने वाली आकृतियों के परिमाप के योग से प्राप्त करना गलत है। इसका कारण अपने अध्यापक से चर्चा करके अवश्य ज्ञात करें। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए।
कि यदि हम आयत को इस प्रकार या इस प्रकार वर्ग के संलग्न रखते तो क्या प्रत्येक स्थिति में हमें समान परिमाप प्राप्त होगा? आज हमने सीखा संलग्न आकृतियों का परिमाप। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। निम्न दर्शाई आकृति में वर्ग एबीसीडी की भुजा एडी के मध्य बिंदु पर एक वर्ग जुड़ा हुआ है। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दर्शाई आकृति से ज्ञात होता है कि वर्ग एबीसीडी के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार जी भुजा एडी का मध्य बिंदु है, इसलिए रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट एजी और रेखाखंड जीडी की लंबाई बराबर होगी। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि एडी बराबर एजी धन जीडी है, यानी कि एजी धन जीडी बराबर 8 सेंटीमीटर है। चूंकि एजी बराबर जीडी है, इसलिए जीडी धन जीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 जीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, जीडी बराबर 8 सेंटीमीटर विभाजित 2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। अर्थात वर्ग DEFG की भुजा जीडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और दर्शाई गई आकृति की भुजा AG की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग। इसलिए परिमाप ज्ञात करने के लिए हम आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे। परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DE धन EF धन FG धन GA। परिमाप बराबर 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार दर्शाई गई आकृति का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अगला उदाहरण, आयत यानी रेक्टेंगल PQRS का परिमाप यानी पेरिमीटर 120 मीटर है। राहुल ने आयत PQRS को 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया। प्रत्येक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत PQRS 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। चलिए प्रत्येक आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B मान ले। यह आयत PQRS का परिमाप बराबर आयत के चारों भुजाओं की लंबाई का योग बराबर L धन B धन L धन B धन B धन L धन B बराबर 3L धन 4B है। हमें आयत PQRS का परिमाप 120 मीटर दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3L धन 4B बराबर 120 मीटर है। यहाँ भुजा PQ बराबर 2B है और भुजा RS बराबर L है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ बराबर RS यानी L बराबर 2B है, अर्थात 3L धन 4B बराबर 120 मीटर को लिख सकते हैं 3×2B धन 4B बराबर 120 मीटर। इसे सरल करने पर B का मान 12 मीटर प्राप्त होगा। चूंकि L बराबर 2B है, इसलिए हमें L का मान प्राप्त होगा 24 मीटर। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप
बराबर दो गुना लंबाई धन चौड़ाई है। अतः विभाजित किए गए प्रत्येक आयत का परिमाप है दो गुना 24 धन 12 मीटर बराबर 2 गुना 36 मीटर बराबर 72 मीटर। अगला उदाहरण, वर्ग यानी स्क्वायर एबीसीडी का परिमाप 84 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ज्ञात है कि वर्ग एबीसीडी का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा की लंबाई है, इसलिए एक भुजा की लंबाई होगी वर्ग एबीसीडी का परिमाप विभाजित 4 बराबर 21 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। इस तरह से वर्ग एबीसीडी के एक भुजा की लंबाई होगी 21 गुना 10 मिलीमीटर बराबर 210 मिलीमीटर। चूंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग एबीसीडी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 210 मिलीमीटर है। आज हमने देखे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा एक, एक तार वर्ग यानी स्क्वायर के आकार का है। रिया ने तार को मोड़कर उसे आयत यानी रेक्टेंगल के आकार में परिवर्तित किया, तो क्या वर्ग और आयत का परिमाप यानी पेरिमीटर भिन्न होगा? किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि तार के आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए परिमाप में भी परिवर्तन होगा, चूंकि यहाँ वर्ग के आकार को आयत के आकार में परिवर्तित किया गया है, इसलिए वे सोचते हैं कि वर्ग और आयत का परिमाप भिन्न होगा, इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन एक, जो एक गलत जवाब है। यहाँ तार के आकार में परिवर्तन अवश्य हो रहा है, लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए आयत और वर्ग दोनों का परिमाप समान होगा, यानी कि ऑप्शन दो सही जवाब है। मिथ्या धारणा दो, निम्न दर्शाए आकार का परिमाप क्या है? दर्शाया आकार वर्गांकित कागज पर बनाया हुआ है। परिमाप ज्ञात करते समय कुछ बच्चे आकार की भुजाओं के अनुदिश स्थित वर्गों की गिनती करते हैं, इससे उन्हें 10 इकाई परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन एक, जो गलत जवाब है। परिमाप बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, इसलिए हमें इस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। योग करने पर हमें इस आकृति का परिमाप प्राप्त होगा 18 इकाई, इसलिए दर्शाए आकार का परिमाप 18 इकाई है, इसलिए ऑप्शन दो सही जवाब है। अब चलिए देखते हैं कुछ साधारण गलतियां। साधारण गलती एक, इकाइयों को नजरअंदाज करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो वे आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर 208 मीटर प्राप्त करते हैं, जो एक गलत जवाब है। वे परिमाप ज्ञात करने से पहले आकार की लंबाई और चौड़ाई की इकाइयों को समान नहीं करते, जैसे कि यहाँ आयत की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, इसलिए पहले हमें लंबाई और चौड़ाई की इकाइयों को समान करना होगा। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, इसलिए आयत की चौड़ाई है 1 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप है 2 गुना 4 धन 1 यानी कि 10 मीटर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से इस प्रकार की गलती से बचा जा सकता है। साधारण गलती दो, आधा प्रश्न हल करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो 140 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर कितना व्यय होगा? तो बच्चे वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करते हैं 4 गुना 20 बराबर 80 मीटर। वे प्रश्न को आगे सरल करना भूल जाते हैं,
जैसे यहाँ वे परिमाप तो ज्ञात करते हैं परंतु बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना भूल जाते हैं। इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे ध्यान में रखते हुए हल करना चाहिए। यहाँ बाड़ लगाने पर व्यय होगा। आज हमने देखी संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घन और घनमूल भाग एक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम घन संख्याएं क्या होती हैं यह जानेंगे और इसके बाद घन संख्याओं के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो क्या आपको यह आकृति याद है, इसका नाम क्या है? अगर आपका उत्तर वर्ग है तो आप बिल्कुल सही हैं। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं सामान्य होती हैं। मान लेते हैं कि यह वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। इस 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग को अगर हम एक ऊंचाई दे दें तो जो हमें ठोस वस्तु प्राप्त होगा उसे हम घन कहते हैं। घन के 3 आयाम होते हैं और यह तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हम कितने घन लें, किनको मिलाकर हम 1-2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना लें, आइए इसका उत्तर हम मिलकर खोजें। सबसे पहले हमने एक घन लिया जिसके की हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर का है। इसके बगल में एक और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और घन लगाया हमने। अब आप देख सकते हैं कि 2 आयाम हो गए, 1 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर का। चलिए अब 1 आयाम तो हो गया 2 सेंटीमीटर का, अब हम अगले आयाम को भी 2 सेंटीमीटर का बनाएं। इसको बनाने के लिए हम इन 2 घनों के ऊपर 2 और घन लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 आयाम 2 सेंटीमीटर के हो गए, लेकिन अभी भी हमारा 3रा आयाम 1 सेंटीमीटर का है, हमें इसे भी 2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इन 4 घन के पीछे हम ऐसे ही और 4 घन लगा देंगे। तो इन 4 घनों के पीछे और 4 घन लगाने पर जो हमें अब ठोस वस्तु ज्ञात होगी उसके अब तीनों ही आयाम बराबर होंगे और वह सारे के सारे 2 सेंटीमीटर के होंगे। तो इस 2 सेंटीमीटर वाले घन को बनाने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन लगाए,
तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले 4 आगे में लिए थे और 4 पीछे में, तो कुल हमारे पास हो गए 8। तो इन 8 एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से मिलाकर हमने 2 सेंटीमीटर वाला एक घन बना लिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं, और 2 को 2 से ही 3 बार गुना करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होता है वह होता है 8। और 8 ही वह संख्या है जिसने कि हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को जोड़कर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया है। तो यहाँ पे हमने पाया कि वह संख्या जिसे एक प्राकृत संख्या से खुद से 3 बार गुना करने से हमें जो संख्या ज्ञात हो उस संख्या को हम पूर्ण घन या कहें तो घन संख्या कहते हैं। और इस प्रकार के पूर्ण घन को दर्शाने के लिए हम इन्हें कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, जिसमें कि नीचे वाली संख्या हमें यह बताती है कि हम किस प्राकृत संख्या को गुना कर रहे हैं, और ऊपर वाली संख्या हमें यह बताती है कि हम कितनी बार कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने 2 को 3 बार गुना किया इसलिए ऊपर में हमने 3 लिखा। तो घन संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम एक प्राकृत संख्या को उसी से 3 बार गुना करते हैं। तो 1 को 3 बार 1 से गुना किया तो हमें 1 ज्ञात हुआ। अभी अभी हमने 2 को गुना कर यह देखा कि हमें 8 ज्ञात होगा। 3 को 3 से 3 बार गुना करेंगे तो हमें 27 ज्ञात होगा। इसी प्रकार 4 को 4 से 3 बार गुना करने पर 64 व 5 को 5 से 3 बार गुना करने पर 125। इसी प्रकार 6 को 6 से 3 बार गुना करने पर 216। 7 को 7 से 3 बार गुना करने पर 343। 8 को 8 से 3 बार गुना करने पर 512। और 9 को 9 से 3 बार गुना करने पर 729। और अंतिम में 10 को 10 से 3 बार गुना करने पर हमें 1000 ज्ञात होगा। यह 10ों बहुत ही महत्वपूर्ण घन संख्याएं हैं, और यह बड़ा ही सरल तरीका है किसी भी प्राकृत संख्या का घन संख्या प्राप्त करना, कि हम उसे ही उससे 3 बार गुना कर लें। इन महत्वपूर्ण घन संख्याओं को दर्शाते हुए हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर आप इन घन संख्याओं को लिख लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। अब घन संख्याओं को इस प्रकार लिखने के बाद हमने यह पाया कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सब विषम संख्याओं के घन भी विषम हैं, और जितने भी सम संख्याएं हैं उन सब के भी घन सम हैं। तो यहाँ से हमें बड़ा ही एक रोचक तथ्य ज्ञात हुआ, वह यह हुआ कि सम संख्याओं का घन जो होगा वह हमेशा एक सम संख्या ही होगा, और विषम संख्याओं का भी घन जो होगा वह एक हमेशा विषम संख्या ही होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है सम संख्याएं वह होती हैं जिनके इकाई स्थान पर या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जैसे कि 12, 34, 58, 76 व 90। आप इन सब में देख सकते हैं कि इनके इकाई स्थान पर या तो 0 है या तो 2 है या 4 या 6 या फिर 8 है। ठीक इसी प्रकार विषम संख्याएं वह होती हैं जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो व 9 हो, जैसे 21, 39, 55, 73 व 97। आप देख सकते हैं इन सब के भी इकाई स्थान पर या तो 1 है या 3 है या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 है, और इन सब वाले संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो अब आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है कि 17 का घन संख्या सम होगा या विषम होगा? आपको मैं इसका उत्तर आगे वीडियो में दूंगा, तब तक आइए हम आगे बढ़ें। 10 के बाद हमने कुछ और प्राकृत संख्याओं के घन संख्याएं ज्ञात की। इन घन संख्याओं को ज्ञात करने के बाद हमें एक और रोचक तथ्य ज्ञात हुआ, वह यह हुआ कि जिन भी संख्याओं के इकाई स्थान पर 1 है उनके घन संख्याओं के भी इकाई स्थान पर 1 है। जिन भी प्राकृत संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 है उन सब के घन संख्याओं के इकाई स्थान पर 8 है, और जिन भी प्राकृत संख्याओं के इकाई स्थान पर 3 है उन सब के घन संख्याओं के इकाई स्थान पर 7 है। इसी प्रकार इकाई स्थान पर जिनके 4 है उनके घन संख्याओं के इकाई स्थान पर भी 4 है। तो इस रोचक तथ्य पर हमने एक सारणी तैयार की जिसपे हमने यह पाया कि 0, 1, 4, 5, 6 व 9 जितने भी ऐसे प्राकृत संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक में सिर्फ यह अंक हो उनके घन संख्या वाले इकाई अंक में भी यही अंक होते हैं, और जितने भी प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई अंक में 2, 3, 7 व 8 हो उनके घन संख्या के इकाई अंक में अलग अंक होते हैं। तो इनको हमें याद रखने के लिए बस यह याद रखना है
कि अगर किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 2 है तो उनके घन संख्या के इकाई अंक में 8 होगा, व अगर प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 8 है तो उनके घन संख्या के इकाई अंक में 2 होगा। और इसी तरीके से अगर किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 3 है तो उसके घन संख्या के इकाई अंक में 7 होगा, व किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 7 है तो उसके घन संख्या के इकाई अंक में 3 होगा। अगर आप चाहें तो इसे लिखकर याद रखें। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 17 का घन संख्या सम होगा या विषम होगा, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 17 के इकाई स्थान पर 7 है तो यह एक विषम संख्या है, और हमें मालूम है कि विषम संख्या का घन संख्या जो होता है वह भी एक विषम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 का जो घन संख्या होगा वह भी एक विषम संख्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसी से 3 बार गुना करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होती है उसे हम घन संख्या कहते हैं, और इसके बाद हमने कुछ घन संख्याओं के रोचक तथ्यों के बारे में भी जाना। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले कुछ रोचक प्रतिरूप के बारे में सीखेंगे और अंतिम में हम घन और उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएं। 26, 62, 3412, 341। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3412, 341, 62, 26। प्रश्न 2, दिए गए संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। 35, 13, 131, 113। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13, 35, 113, 131। प्रश्न 3, 76 का प्रसारित रूप लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 70 प्लस 6, बी 700 प्लस 6, सी 7000 प्लस 6 या डी 70000 प्लस 6। सही उत्तर है ऑप्शन ए 70 प्लस 6। प्रश्न 4, 614 का प्रसारित रूप लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 60 प्लस 14, बी 600 प्लस 14, सी 6000 प्लस 10 प्लस 4 या डी 600 प्लस 10 प्लस 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 600 प्लस 10 प्लस 4। प्रश्न 5, 9249 का प्रसारित रूप लिखिए। ऑप्शंस हैं ए 9000 प्लस 200 प्लस 49, बी 9000 प्लस 249, सी 9000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9 या डी 900 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें, बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।